आस्था के महापर्व छठ पूजन के दूसरे दिन की शुरुआत खरना पूजन से करने के लिए महिलाएं सुबह से तैयारी में जुट गई हैं। महिलाओं ने घरों की साफ सफाई के साथ व्रत का पारण शुरू किया। बाजार में जाकर सामग्री की खरीद की और नहर पर स्नान करके सूर्य देवता को अग्रे देकर पूजन किया। छठ महापर्व में हर कोई अपनी तरफ से सेवा करने को आगे रहता है। गया में ऐसे चक्की मील वाले हैं जो छठ महापर्व पर गेहूं और चावल की पिसाई मुफ्त करते हैं। इस महापर्व में लोगों की आस्था और पवित्रता को देखते हुए छठ पूजा में प्रसाद बनाने के लिए चक्की में निशुल्क गेहूं की पिसाई की जाती है। बता दें कि वनस्पति गेहूं स्पाइसेस और फूड इंडस्ट्री के द्वारा गेहूं और चावल की पिसाई 4 दिनों तक यानी 17 नवंबर से 20 नवंबर तक निशुल्क की जा रही है। वहीं चक्की मालिक ब्रजनंदन ने कहा कि इस आटा चक्की में पवित्रता का खास ध्यान रखा जा रहा है। छठ पूजा के अवसर पर जो छठ के व्रत करने वाले लोग हैं, छठ व्रती हैं, उनको प्रसाद बनाने के लिए शहरी क्षेत्रों में गेहूं की पिसाई करवाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे यहाँ जो ये वनस्पति स्पाइसेज और फूड इंडस्ट्रीज है, उसके एक चक्की को पूरी पवित्रता के साथ धुलवाया गया है और उसके बाद हमारा जो कर्मचारी है वह भी नहा धो करके जो छठ व्रतियों का जो वो गेहूँ ला रहे हैं व्रत पे प्रसाद बनाने के लिए, उसकी पिसाई की जा रही है। यह कार्य 17 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक अनवरत जारी रहेगा। जिस प्रकार से लोग जो हैं वो घाटों की साफ सफाई और साज सज्जा कर रहे हैं, जो सरकारी स्तर पर नगर निगम और स्थानीय युवकों की टोलियाँ कर रही हैं और विभिन्न मोहल्लों में को सजाया जा रहा है, लोग जो हैं कि छठ व्रत के अवसर पर सूप फल प्रसाद आदि का वितरण करते हैं, तो उसी क्रम में यह भी एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है कि छठ व्रतियों को गेहूं की पिसाई जो है पूरी तरह पवित्रता से धोई गई चक्की में निःशुल्क पिसाई की व्यवस्था की गई है, गेहूँ पिसाई की और जो चावल की पिसाई की, ताकि उसका कसार और जो ठेकुआ बनता है वो लोग पूरी पवित्रता से पीसी गई आटा का वो उपयोग कर सके। अच्छा, COVID-19 भी है, उसके लेकर के क्या लोग आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? देखिए, आज तो कल से चूँकि ये प्रारंभ किया गया है, कल भी कम लोग आए थे, आज भी अभी तक कम ही हैं, लेकिन पूरी संभावना है, काफ़ी लोगों ने फ़ोन पर और व्यक्तिगत रूप से आके भी मिल के गए हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा गेहूं भी पिसा जाए। छठ पूजा पूरी तरह से पवित्रता का त्यौहार है। इस पर्व में परंपरा और पवित्रता को महत्व दिया जाता है। इसमें मिट्टी के चूल्हे, आम की लकड़ी, जांते में पीसे गए गेहूं का आटा, गुड़ और चावल का ही इस्तेमाल होता है। व्रतियां की सुविधा के लिए चक्की मालिक द्वारा उन्हें गेहूं की पिसाई की निःशुल्क सेवा दी जा रही है। पंजाब के CCTV के लिए कैमूर से अजीत की रिपोर्ट।